सो सभी को गुड इवनिंग और जय हिंद। मैं जीवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएससी एडर 24/7 पर। तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी के। तो जैसा लिखा है आपके सामने दिखाई दे रहा है, इंडियन पॉलिटी स्पेशल। तो जय हिंद सभी को। अर्पित आर्या, नेहा जायसवाल, शिवराज शेखावत एंड वैनम 2021। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैंने पहले एक बात बता दूँ, आज अडर 24/7 पर 72% की फ्लैट डिस्काउंट सेल चल रही है ऑन ऑल स्टडी मटेरियल, चाहे मॉक टेस्ट हो, लाइव क्लासेस हो, आपकी मॉक टेस्ट हो, लाइव क्लासेस हो, या फिर आप कोई भी ई बुक्स या प्रिंटेड बुक्स अडर 24/7 के पब्लिकेशन की परचेज करना चाहते हैं, तो उन सभी पे आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? उन सभी पे आपको आज 72% डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? कैपिटल यू 191 कोड को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अनुच्छेद 2 डील्स, आर्टिकल 22 डील्स स्टेप एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 नए राज्यों का गठन, क्षेत्र सीमाओं या मौजूदा राज्य के नामों के विकल्प से संबंधित है। क्या दोनों ऑप्शन सही हैं? क्या केवल दूसरा ऑप्शन सही है या दोनों गलत हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। साक्षी प्रिया, गुड इवनिंग बेटा। तो देखो, आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जाती है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जाती है। देखिए, एक आपको संविधान संशोधन बताता हूँ, दो संविधान संशोधन है, 35वां संविधान संशोधन 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। सिक्किम जो है ना, सिक्किम भारत का पहले हिस्सा नहीं हुआ करता था, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, तो सिक्किम को भारत संघ में जोड़ा गया था। सिक्किम को वॉज एडेड इन टू द इंडियन यूनियन, वॉज एडेड इनटू द इंडियन यूनियन, ओके। सिक्किम को भारत संघ में जोड़ा गया था, सिक्किम वॉज एडेड इनटू द इंडियन यूनियन, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी। और किसी भी राज्य का नाम बदलना हो या उसकी क्षेत्र की सीमाओं को घटाना या बढ़ाना हो तो इसे कौन से उसमें आता है? आर्टिकल 3 में। तो आपका ये दोनों ही सही है। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा भाई, सेशन को ज़रा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो ये बात है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 किस बात को कहता है। तो आर्टिकल 1 के बारे में देखिएगा, आर्टिकल 1 कहता है कि जो भारत है, आर्टिकल 1 जो भारत है वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ओके। इंडिया शैल बी दी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो होगा वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ओके। और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो संविधान के कौन सी अनुसूची में बदलाव किया जाता है? तो संविधान की कौन सी अनुसूची में बदलाव किया जाता है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चौथी अनुसूची? देखिए, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ दे रखी है और प्रत्येक अनुसूची यानी शेड्यूल एक दूसरे से भिन्न है। अगर मैं बात करूँ चौथी अनुसूची, तो इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन दे रखा है, यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। बिल्कुल विशाल कुमार गुप्ता सर, आपने सही आंसर बताया है। तीसरी अनुसूची में क्या दे रखी है, शपथ। अच्छा, उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ नहीं दी गई है, तो ध्यान रखिएगा तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनकी शपथ नहीं दी गई है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में है, 60वें अनुच्छेद, और उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और आपके उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। फिर दूसरी अनुसूची में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उन सभी का क्या दे रखा है, वेतन दे रखा है, यानी सैलरी दे रखी है। क्या दे रखी है, सैलरी ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक। और जो प्रथम अनुसूची है इसमें दे रखा है संघ एवं राज्यों का नाम, यानी नेम ऑफ दी यूनियन एंड स्टेट। तो जब भी नए राज्यों को बनाया जाएगा
तो उसमें नए नाम जोड़े जाएंगे, जैसे 2000, सन 2000 में इन 2000 झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड अस्तित्व में आए, 2014 में तेलंगाना आया, और अभी जैसे इस साल 2020 में दमन एंड दीव, दमन एंड दीव ये यूनियन टेरिटरी होती थी, इसको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है किसके साथ, दादर नागर हवेली के साथ मिला दिया गया, दादर नागर हवेली के साथ इसको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया। तो भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 15 नवंबर को 2000 को झारखंड बना था, 7 नवंबर को उत्तराखंड बना था। निम्नलिखित में से कौन सा विपक्ष का पहला नेता था, विपक्ष का पहला नेता, ध्यान रखिएगा, 1977 में जब पहली बार नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी थी, 1997 में, तो लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन की पोस्ट को एक क्या दिया गया था, एक पार्लियामेंट्री स्टेटस दिया गया था, ठीक है। जो भी व्यक्ति लीडर ऑफ ओपोजिशन होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर की उसे रैंक मिलती है। कौन सी रैंक मिलती है, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक मिलती है लीडर ऑफ ओपोजिशन की, लीडर ऑफ ओपोजिशन को। अभी जो लोकसभा चल रही है और इससे पहले जो लोकसभा थी, यानी 16th लोकसभा और अभी जो चल रही है 17th लोकसभा, एक्चुअली लीडर ऑफ ओपोजिशन बनने के लिए आपके पास मिनिमम 55 सीट्स होनी चाहिए, 55 सीट्स होनी चाहिए लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा की कुल सदस्यता 552 है, या 10% सीट्स होनी चाहिए, या क्या नहीं होनी चाहिए, 10% सीट्स होनी चाहिए। तो अभी भी अभी किसी पार्टी के पास ना पिछली लोकसभा ना में ना इस लोकसभा में 55 सीट नहीं है, तो इस वजह से 16वीं लोकसभा में भी कोई वो नहीं था, ओके, 16वीं लोकसभा में भी कोई विपक्ष का नेता नहीं था, ना ही इस वाली है। और राम सुभाग सिंह ये 1969 में, 1969 में क्या थे, पहले लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं। अच्छा, जो लीडर ऑफ ओपोजिशन होगा, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी लोक लेखा समिति, ये लोक लेखा समिति बोलते हैं, इस पे आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष को चुनते हैं। और ये 1921 सबसे, संसद की अगर कभी क्वेश्चन आए संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति है। अच्छा, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 तो आपके लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। 7 आपके कहाँ से लिए जाते हैं, राज्यसभा से लिए जाते हैं। और आप लोग सभी सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश क्राउन किसका एग्जाम्पल है, रियल एग्जीक्यूटिव, क्वासी रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनियल एग्जीक्यूटिव, या नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव। भाई नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव तो है नहीं, ओके, नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव तो है नहीं, रियल एग्जीक्यूटिव क्योंकि उनके पास कोई पावर भी नहीं है, क्वासी रियल एग्जीक्यूटिव ये भी नहीं है, तो वो क्या है, नाम मात्र की सत्ता, जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना, प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट भी क्या होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव नहीं होते, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब इनके पास एक्चुअल पावर नहीं होती, लेकिन किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनकी जरूरत होती है। गुड इवनिंग अंजलि आरव, ओके, शिवान सिंह, यस, फोर क्वेश्चन का सी आंसर। अच्छा, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द इंडियन कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से बता दोगे। तो देखो, अगर मैं बात करूँ यूएस से, यानी यूएसए से हमने क्या लिया, तो सबसे पहले यूएसए से प्रस्तावना, प्रियम्बल लिया है हमने, ठीक है, प्रस्तावना से बोलते हैं। फिर हमने क्या लिया है भाई, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। फिर क्या लिया है हमने, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ली है, जुडिशियल रिव्यू लिया है अमेरिका से, जुडिशियल रिव्यू, न्याय पूर्वालोकन, इसे जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, यानी इसे न्याय पूर्वालोकन के द्वारा अमेरिका से क्या लिया है, न्याय पूर्वालोकन,
ठीक है, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, न्याय पूर्वालोकन आपका आर्टिकल 137 में आता है। किसमें आता है? आर्टिकल 137 में। इस जुडिशियल रिव्यू के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का संरक्षक। अभी एक मिनट मैं इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, जरा सुनिएगा। बिल्कुल, संविधान का क्या बुलाया जाता है बच्चों? संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बुलाया जाता है। आर्टिकल 14 आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 14 में क्या दो बातें कही गई हैं? एक मिनट मैं अपने आपको इनविजिबल करता हूँ और आपको लिख के दिखाता हूँ। आर्टिकल 14 में, हाँ बिल्कुल, इम्पीचमेंट भी लिया गया है सर, ठीक है, इम्पीचमेंट भी लिया गया है, ध्यान रखिएगा, यानी राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है। ओके, आगे जरा ध्यान से दीजिएगा। आर्टिकल 14 का मतलब है, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि भाई इक्वेलिटी इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे सब बराबर है। ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के किससे? रूल ऑफ लॉ से। ध्यान से सुनो, मैं आपको जो बता रहा हूँ कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने इंडियन पॉलिटी विद कंसेप्ट लिखा है। ओके, और ये हमने कहाँ से लिया है? ये सारी चीज़ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अच्छा, इसी आर्टिकल 14 में है इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने यूएसए से लिया है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14 में दो चीज़ दे रखी है, कानून का समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता। तो कानून का समान संरक्षण तो हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया है। और कानून के समक्ष, सॉरी, कानून का समान संरक्षण तो हमने यूएसए से लिया है, और कानून के समक्ष समानता ये हमने कहाँ से लिया है? आपका यूएसए से। अच्छा, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है? तो अपॉइंटमेंट, मेरे को पता है आप सभी लोगों को बहुत आता है, ठीक है, कनाडा से क्या लिया है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, वो आपका कनाडा से लिया है। कनाडा से एक और चीज ली गई है, यूनियन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यूनियन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी संघ में सशक्त केंद्र। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो राज्य सरकार है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। लेकिन भाई आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, एक बार सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल 143 में आता है एडवाइजरी जूरिसडिक्शन, जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार, सलाहकार क्षेत्र अधिकार। ओके, सलाहकार क्षेत्र अधिकार, सलाहकार क्षेत्र अधिकार का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति को अगर कभी भी किसी कानूनी मुद्दे पर, चाहे वो भारत के संविधान से रिलेटेड हो या वो किसी बुल से रिलेटेड हो, किसी भी कानूनी सलाह की आवश्यकता होगी तो वो भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाएगी। चलिए बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं मानता हूँ आप लोगों के पास अच्छी नॉलेज है, कृपया आप अपना इस क्वेश्चंस के आंसर पे ध्यान रखा करें, और इसी से ही रिलेटेड, मैं जानता हूँ आप सभी लोग मेहनत कर रहे हो, ऐसे तो हो नहीं, आपके आंसर देख के मेरे को पता लगता है कि यार डूइंग हार्ड वर्क, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी। ये थोड़ा सा समय हम ही साथ रहते हैं, इसके बाद आप ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 3 द्वारा निम्न में से क्या क्या किया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 में जो संसद है उसके पास ये पावर है कि वो किसी राज्य के एरिया को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के एरिया को कम भी कर सकती है, किसी राज्य के बाउंड्री को भी बदल सकती है, किसी के राज्य के बाउंड्री को भी बदल सकती है, और किसी राज्य का नाम भी परिवर्तित कर सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव इसका
सही है, बिल्कुल, अनस्टॉपेबल, यू आर अनस्टॉपेबल। मेरे को कुछ शब्द बोले नहीं जाते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन कब बना था? देखो, इलेक्शन कमीशन जो है आपका बना था 25 जनवरी 1950 को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से ठीक एक दिन पहले बना था। और हमेशा हम 25 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? हम 25 जनवरी को नेशनल नेशनल वोटर्स डे, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे के तौर पे मनाते हैं, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाते हैं। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जरा ध्यान से देना, ओके, ये 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। आर्टिकल 324 में दे रखा है, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन जो है, भारत में पांच चुनाव कराता है। कितने का चुनाव कराता है? पांच। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन कौन सा इलेक्शन कराता है? एक मिनट, तो सबसे पहले वो आपके राष्ट्रपति जी का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है। फिर इलेक्शन कमीशन आपके वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है। फिर इलेक्शन कमीशन आपका राज्यसभा का इलेक्शन कराता है। फिर इलेक्शन कमीशन आपका लोकसभा का और सभी राज्यों की विधानसभा का, ओके, सभी राज्यों की विधानसभा का, यानी लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन कराता है। अब बात करते हैं कि जो लोकल होते हैं आपके, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और आपका पंचायत हो गया, ओके, इनको कौन कराता है? तो ध्यान रखिएगा, जो 23 अप्रैल 1994 को, 23rd of April, APRIL, 24th of April 1994 को एक नई संस्था बनी थी जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, आर्टिकल 243 के में पंचायत, पी लिख रहा हूँ, पंचायत समझ लीजिएगा, ठीक है, और आर्टिकल 243Z में म्यूनसिपैलिटी, इनके इलेक्शन कराती है म्यूनसिपैलिटी। और आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, भारत के इस वक्त जो है, भारत के 6 राज्यों में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, भारत के 6 राज्यों में आपका क्या है? विधान परिषद है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, उसका इलेक्शन आर्टिकल 169A के तहत, आर्टिकल 169A के तहत आपका कौन कराता है? आपका राज्य का निर्वाचन आयोग बोलता है। राज्य के निर्वाचन आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, या इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उन्हें कौन नियुक्त करते हैं? उन्हें गवर्नर नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नर, ठीक है, लेकिन हटा नहीं सकते। सेम इसी तरह इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, CEC बोलते हैं। इसके अंडर दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इन सब की पावर एक जैसी ही होती है, बस इस ये जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको थोड़ा स्पेशल होता है कि इन्हें ना, ये एक संवैधानिक पद होता है, इन्हें हटाया नहीं जा सकता। या तो ये 6 ईयर तक रहेंगे, या तो ये 6 वर्ष तक रहेंगे, 4 6 ईयर, या फिर ये 65 वर्ष की आयु तक रहेंगे। इस समय जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नाम है सुनील अरोड़ा, ठीक है, सुनील अरोड़ा इस समय भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अच्छा, कुछ दिनों पहले भारत के एक भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर होते थे, ठीक है, कुछ समय पहले भारत के एक भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर होते थे, मैं जरा ध्यान रखिएगा, उनका नाम था अशोक लवासा, ठीक है, अशोक लवासा। अशोक जो लवासा जी हैं, ये क्या चलेगा, इन्हें ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या बना दिया गया? वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी ये पद खाली हो गया। थोड़ा करंट अफेयर में CHSL में आपसे पूछा जा सकता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। हाँ, पहले सुकुमार सेन थे, ठीक है, अब इनकी जगह भूतपूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर राजीव कुमार, मिस्टर राजीव कुमार को क्या बनाया गया बच्चों? भारत का इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। भारत का क्या बनाया गया है? ओके,
इलेक्शन कमिश्नर बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा, और अनस्टॉपेबल आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि बिना पेन चलाए कुछ नहीं मिलेगा। सीरियसली बात आपने बहुत अच्छी कही, एकदम क्या कहते हैं ना, डंके की चोट पे मैं कहता हूँ बिना पेन चलाए। अगर आपको मेरे एक सर थे, वो कहते थे कि ऑफिसर क्या होता है, ऑफिसर ऑर्डर देता है, लेकिन ऑर्डर देने के लिए पहले कलम चलानी पड़ती है, तो पेन चलाओ। जितनी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, वैसे तो बहुत सारे टीचर हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको देते हैं, लेकिन मेरा भी कुछ थोड़ा सा तो यूनिक भगवान ने दे ही रखा होगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि आरटीआई कब हुआ था। देखो, आरटीआई को जो राष्ट्रपति की स्वीकृति, यहाँ पे जो है ना एनेक्ट क्या होता है, जो प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर करे थे, प्रेसिडेंट ने जो सिग्नेचर करे थे, साइन करा था, वो आपका 15 जून 2005 को करा था, ठीक है। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार आपका एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट। आप बताइएगा कि ये कौन से आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट कहलाया जाता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत इसे फंडामेंटल राइट कहा जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो आरटीआई है, ये आपका जो साइन तो हो गया था, लेकिन इसे यानी एनेक्ट हो गया, लेकिन इसे एनफोर्स यानी लागू जो किया गया था, यानी एनफोर्स जो किया गया था, वो 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था, ठीक है। हाँ, अब बताइएगा, इसमें मैंने आपको बताया है कि भाई जो राइट टू इंफॉर्मेशन है आपका आर्टिकल 21 के तहत क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि भारत की रक्षा मामलों से संबंधित आप इनको चीज़ों को नहीं कर सकते, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा जी। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 में आपके कई तरीके के राइट हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, ये निजता का अधिकार, आधार कार्ड को गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा था ना निजता का अधिकार पे, तो जस्टिस मुत्तु स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये दिया गया था कि भाई निजता का अधिकार, और आधार कार्ड की मैंडेटरीनेस को ख़त्म किया गया। अब आधार कार्ड केवल दो चीज़ों के लिए ज़रूरी है, आपके पैन कार्ड के लिए और आपके बैंक अकाउंट के लिए, ठीक है। फिर इसी में ही आपका आता है राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, ये यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था, ठीक है, क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था, और आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग क्या जोड़ा गया था, आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था, शिक्षा के अधिकार को एक क्या बनाया गया था, मौलिक अधिकार बनाया गया था। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके से, नो कॉन्फिडेंस मोशन, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन से आर्टिकल में आता है, क्या चीज़ होती है, जल्दी से बताइएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और कितने इसके द्वारा इसे लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। शिवांश सिंह, इंद्रजीत, ओके, रजनी, गुड इवनिंग बच्चे, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो, कोई भी बिल या कोई भी मोशन, मोशन को हिंदी में संकल्प बोलते हैं, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, इसे लाने से पहले इसके क्या होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, तो मिनिमम 50 प्रस्तावक होने ज़रूरी हैं, तभी उस मोशन को मूव किया जाएगा, यानी 50 मेंबर लोकसभा स्पीकर के पास जाएंगे कि हम सरकार के खिलाफ क्या लाना चाहते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, तभी स्पीकर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लागू करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में दे रखा है, ठीक है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में इसे की बात कही गई है,
और नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन 2/3 मेजॉरिटी या 272 वोट्स से पास हो जाएगा, 272 वोट से पास हो जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। गवर्नमेंट क्या होगी, गिर जाएगी। चंदन कुमार, जय महाकाल सर। ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा इसका फटाफट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या। नेहा जायसवाल, बहुत अच्छे बेटा जी, जल्दी से। हु कंसिडर दी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एक चीज़, एक मैं आपको बताऊं, प्रियम्बल, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संविधान की आत्मा कहा है, ध्यान रखिएगा सभी। हाँ, ये चीज़ एक आपको ध्यान है, संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी, कुंजी को हिंदी अंग्रेजी में बोलेंगे की, संविधान की बोला है, ठीक है। लेकिन दिल और आत्मा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 है, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के लिए न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32, और आपका हाई कोर्ट, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट, भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत क्या जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। रिट का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, रिट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। अब मैं यहाँ आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं रिट 5 प्रकार की होती है, लेकिन कौन सी किस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, इसे आप समझिएगा, कौन सी किस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है आप इसे समझिएगा, और सेशन को शेयर और लाइक प्लीज़ ज़रूर करिएगा। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा धीरे है, लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस धीरे, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। जो पहली रेट होती है, जिसे हम हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस, हिंदी में इसे बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मेरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही दुरुस्त हैं, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बस अपना कीमती समय मेरे को दीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के हम कैद में नहीं रख सकते। तो ध्यान रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका प्राइवेट यानी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकता है, चाहे माँ बाप ने अपने बच्चे को कैद क्यों ना रख रखा हो, और पब्लिक यानी सरकारी व्यक्ति के अगेंस्ट भी इसे इशू की जा सकता है। ओके, सरकारी व्यक्ति के अगेंस्ट भी इसे यूज़ किया जा सकता है। फिर दूसरा होता है आपका, दूसरा आता है आपका मेंडामस, मेंडामस, मेंडामस जो होता है, इसे हम बोलते हैं परमादेश। मेंडामस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, परमादेश। ये क्या होता है, ये केवल सरकारी अधिकारी के खिलाफ, सरकारी अधिकारी के खिलाफ ही जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें अगर कोई सरकारी अधिकारी को जो कार्य दिया गया है, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, तो उसमें कोर्ट जारी करता है कि आप इस कार्य को करिए। जैसे म्यूनसिपालिटी का काम है सफाई करना, अगर वो सफाई ही ना कर रहा है, अगर वो सफाई ही ना करे तो कैसे होगा, ठीक है। तो उससे क्या गंदगी फैलेगी, लोगों के जीने का अधिकार का हनन होगा। फिर आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 नहीं, थर्ड रिट, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया, ठीक है। ये आपकी आती है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिषेध, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिषेध। ये जो है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट जारी की जाती है, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे की कोर्टों को, और यह एक तरीके से मैं बोलूँ जुडिशरी के अगेंस्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे की कोर्टों को और हाई कोर्ट अपने से नीचे की कोर्टों के लिए इसे जारी किया जाता है। ओके, हाँ बिल्कुल 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 नेहा। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई कोर्ट अपने शक्तियों से ज़्यादा, मतलब जैसे उसके पास जो शक्ति है उससे ज़्यादा बाहर जा रही है, जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ टूट रहा, तो उसमें उसे मना कर सकती है हाई कोर्ट अपने नीचे से, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट को या जिला न्यायालयों को, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मना कर सकती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक चौथी होती है, चौथी आपकी कौन सी होती है,
सर्टियोआरी, सर्टियोआरी, सर्टियोआरी आपकी किस में आती है? सर्टियोआरी आपकी को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, ओके, उत्प्रेषण। ये उत्प्रेषण जो होता है इसमें क्या होता है, ये भी जुडिशरी के अगेंस्ट ही होता है। इसमें अगर किसी न्यायालय में कोई मामला काफ़ी समय से लंबित है तो बड़ी कोर्ट अपने से निचली अदालत को कहती है या तो उसका तुरंत निपटारा करें या हमें ट्रांसफ़र करें। और पांचवी होती है आपकी, पांचवी जो होती है वो होती है आपकी क्या, क्यू वारंटो, क्यू वारंटो। अभी जो 12 तारीख को ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीएम डीजीपी सबको जो बुलाया है ना, तो वो इस रिट के कारण अधिकार प्रच्छा, किस अधिकार से, दरअसल जो हाथरस गैंगरेप पीड़िता थी उसका रात को जो 2 बजे संस्कार किया गया, किस अधिकार से किया गया, यानी कोई व्यक्ति जब अपने पद से ऊपर की शक्तियों का प्रयोग करता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो तब उसमें ये रिट जारी की जाती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, बाय व्हाट अथॉरिटी, बिल्कुल मितेश। अच्छा, एक आपको मैं बता दूं, एक्चुअली मैं पढ़ाता तो मेनली डिफेंस एग्जाम के लिए हूं। अगर आप में से कोई यूपीएससी सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, जो 8 नवंबर को एग्जाम है जिसका, तो उसके लिए एक मैं स्पेशल जर्नलॉजी, क्योंकि इसमें यूपीएससी लेवल के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, 100 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, चाहे वो एशियंट हिस्ट्री का हो, मेडिवल हिस्ट्री का हो, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का हो, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी। आप ये अगर आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, तो अभी ठीक 7:30 बजे @7:30 PM आपका स्वागत है डिफेंस अड्डा 247 पर। डिफेंस अड्डा 247 पर मैं क्लास लूँगा, वहाँ पे भी पॉलिटी होगी, लेकिन वहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये मेरा एक स्पेशल प्रैक्टिस बैच है जिसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरे 18 टेस्ट कराऊंगा, जिसमें 3 क्लासेस आपकी हिस्ट्री की होगी, एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, 3 क्लास ज्योग्राफी की होंगी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, 3 क्लास इकोनॉमिक्स, 3 क्लास साइंस और 3 क्लास करंट अफेयर्स। तो पूरा 6 नवंबर तक ये आपका चलेगा, और आपको एग्ज़ाम से पहले एक फुल प्रूफ इसे ज़रूर, मतलब एक फुल प्रूफ आपको प्रिपरेशन करने को मिलेगी। तो इसके लिए, और ध्यान रखिएगा 72% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ कैपिटल U191 कोड। हाँ बिल्कुल, शाम को 7:30 बजे आप देख लीजिएगा, आपको लगता तो होगा थोड़ा बहुत तो सही पढ़ा लेता होगा, ठीक है। और एक ये RRB NTPC का है, ये 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, इसमें मैं भाई साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसमें केवल साइंस, और वो भी ये क्रैश कोर्स है ना, तो उसको मैंने MCQ बेसिस पे रखा है, इसमें मैं MCQ बेसिस पे कराऊंगा। तो अगर आप CDS की कर रहे हैं तो आप वो बैच, और अगर आप रेलवे के लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन का डिफरेंस बिल्कुल ज़रूर होता है, ओके। और सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ओके। पार्लियामेंट कंजिस्ट, अरे ये क्वेश्चन तो कहाँ से आ गया, चलो पता नहीं है मैंने इतना ईजी के। आर्टिकल 79 जो है इंडिया का, वो बताता है कि जो भारत की संसद है वो आपकी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी होती है। SSC में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको कभी UPSC में नहीं मिलेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान के अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद पता क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ओके, संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, बी दी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो अनुच्छेद क्या बताता है कि भारत क्या है भाई, राज्यों का संघ है। और ये एक भी और बात बताता है कि भारत के दो ही आधिकारिक नाम है, जबजीरो दिया मेरे भारत ने, यानी भारत और इंडिया, यानी जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का नाम है भारत, वो उनका है।
साई कुमार कलुवेत्री, ओके ऑप्शन नंबर डी इट इज योर राइट आंसर। ओके नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति में कौन सर्वोच्च है? संसद, संविधान, धर्म, सुप्रीम कोर्ट, क्या होगा उसका आंसर? जल्दी से बताइएगा। भारतीय राजनीति में कौन सर्वोच्च है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, धर्म, क्या होगा उसका आंसर? फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। एक बच्चा डिसलाइक करके गया, शायद उसे अच्छी नहीं लगी मेरी। जल्दी से। तो बी, बिल्कुल, भारत में संविधान का अर्थ ही होता है सर्वोपरि। अच्छा, भारतीय संविधान को जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है, शक्ति जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों से मिलती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए भारत में सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, भारत में सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, तो भारत में जो सुप्रीम अथॉरिटी है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल कैसे शुरू होता है, हम भारत के लोग, वो दर्शाता है कि भारत का संविधान अपनी शक्ति कहाँ से लेता है। भारत का संविधान, जैसे आयरन मैन अपनी शक्ति वो आर्क रिएक्टर से लेता था ना, तो उसी तरह भारत का संविधान जो शक्ति लेता है वो भारत के लोगों से लेता है। सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। ओके मिस्टर शिवम पांडे, मोस्ट वेलकम हियर। ओके, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के जोड़ा क्योंकि आप सभी जानते हो आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो लोकसभा में दो एंग्लो, टू एंग्लो इंडियंस को क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे। और जो गवर्नर होते थे, गवर्नर, ठीक है, जो गवर्नर, हाँ बिल्कुल, अब समाप्त हो चुका, गवर्नर राज्य की विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करते थे, मनोनीत करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ ना, 104 संविधान संशोधन 2020, जो अनुच्छेद या नॉमिनेशन कहो, नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन, नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन वॉज रिपील्ड। रिपील्ड का अर्थ है होता है कि जो आंग्ल भारतीयों के लिए मनोनीत किया जाता थी, दो सीट लोकसभा में और एक सीट राज्य की विधानसभा में, उसे समाप्त कर दिया गया है। रिपील्ड का मतलब होता है समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द पार्लियामेंट कमेटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द अपोजिशन? तो सिंपल सी बात है, देखो भारत, अगर कभी क्वेश्चन आया, यहाँ क्वेश्चन आता कि लार्जेस्ट, अगर क्वेश्चन आता लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद की सबसे बड़ी समिति पूछा जाता, लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, तो क्वेश्चन का आंसर चेंज होकर क्या हो जाता, एस्टीमेट कमेटी हो जाता। एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 आपके इसके होते हैं लोकसभा से होते हैं। एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य होते हैं, सबसे बड़ी कमेटी, और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। और इस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है ना, वो गवर्नमेंट से होता है। इसका जो प्रेसिडेंट, चेयरमैन होता है, वो हमेशा किस साइड से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। पब्लिक अकाउंट, अच्छा एस्टिमेट कमेटी बनी कब थी, ये वर्ष 1950 में बनी थी। कब बनी थी, वर्ष 1950 में। आंसर इसका ये नहीं है, आंसर इसका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। ओके मैथ्स, अरे मैथ्स में तो रुपिंदर सर हम आप ही के भाई हैं, ठीक है। पब्लिक मैथ्स की क्लास वैसे इसके बाद रेलवे के लिए होती है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बच्चों आपका बना था 1921 में, बना था कब बना था, 1921 में बना था आपका 1921। इसमें जो टोटल होता है 22 मेंबर होते हैं, मैंने आपको बताया कि भाई 7 तो राज्यसभा से होते हैं और 15 आपके लोकसभा से होते हैं। और इसका जो चेयरमैन होगा हमेशा क्या होगा, लीडर
ऑफ ओपोजिशन या विपक्ष से होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो सीएजी रिपोर्ट लाता है ना, वो इन्हीं के द्वारा वेरीफाई की जाती है। और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, अगर कभी संसद का कोई गतिरोध आ गया किसी बिल पे कि लोकसभा नहीं पास कर रही हो, राज्यसभा ने पास कर दिया हो, या राज्यसभा में पास नहीं हो रहा हो, लोकसभा ने पास कर दिया हो, तो उस कंडीशन में संसद के संयुक्त सत्र को बुलाया जाता। बुलाते कौन है? संयुक्त का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आपके लोकसभा स्पीकर करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर। अच्छा, एक बात ये बताइएगा कि संसद का संयुक्त सत्र इतिहास में, जब से भारत की संसद बनी है, कितनी बार हुआ? जल्दी से बताओ माय डियर स्टूडेंट, संसद का संयुक्त सत्र इतिहास में कितनी बार हुआ है? जल्दी से बताइएगा, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। संसद का संयुक्त सत्र इतिहास में कितनी बार हुआ है अभी तक? जल्दी से बताओ, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। जीके शर्मा जी को नमस्कार, प्रेसिडेंट इसका आंसर सही है। जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन हाँ, मैं यही तो सुनना चाहता था कि 3 बार होना था। 3 बार नहीं, 4 बार। क्यों? ध्यान करो, एक 30 जून 2017 को प्रणब मुखर्जी ने जब जीएसटी को लागू किया था, तो वो संसद की संयुक्त बैठक थी। तो अभी तक कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ, 4 टाइम्स। ध्यान आया? 4 टाइम्स संसद की संयुक्त बैठक हुई है। पहला 1961 में, 1961 में आपका डाउरी एक्ट आया था। 1978 में आपका बैंकिंग से रिलेटेड एक्ट था। 2002 में पोटा कानून को लाया गया था, और 2017 में जीएसटी। ओके, तो 4 बार आपके क्या हुआ है? संसद का संयुक्त सत्र, वो बिल्कुल पुराना है, आपको ध्यान आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सचेतक, ये एक तरीके से पार्टी का मॉनिटर होता है। हर पार्टी अपना एक मॉनिटर बना के भेजती है कि जो उस पार्टी के जो मेंबर हैं उनकी गतिविधियों को कंट्रोल करेगा, यानी कि वो दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट डाल दे। तो इसका जो विधान है ना ही संसद में है, कि किसी बुक में, रूल बुक ऑफ द संसद, ना ही किसी संसदीय कानून में है, ना ही संविधान में है। एक तरीके से संसदीय परंपरा है, यानी पार्लियामेंट्री कस्टम है। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा और केंद्र शासित प्रतिनिधि किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दो, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। अंजलि आरव, ओके, कब कब हुए बेटा? 1961 में हुए थे, 1978। अभी अगली क्लास होगी ना 7:30 बजे डिफेंस अड्डा पे, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा, इस पर क्वेश्चन भी रखूँगा। चलो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, जल्दी से अब सेशन ख़त्म करते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, तो किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स केवल, क्योंकि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं डालते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता, उसके द्वारा, ओके, उसके द्वारा वोट। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, यानी राज्यसभा के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिस तरीके से प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका 2 एंड 3। ओके, राधे राधे सोनू कुमार सर, मथुरा से हो या आगरा से हो, ये बताइएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन द इवेंट ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नॉट बीइंग अवेलेबल, हु अमोंग द फॉलोइंग बिकम द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो तो तब राष्ट्रपति के कार्यों का कौन कार्य करेगा? तो ध्यान रखेगा,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो लोकसभा के स्पीकर करेंगे, ठीक है? कहाँ से करेंगे? लोकसभा के स्पीकर। तो ध्यान रखिएगा आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा 1969 में। ओके, जस्टिस न्यायमूर्ति जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब, ठीक है, हिदायत उल्ला साहब, ये क्या बने थे? भारत के पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, ये भारत के क्या बने थे? एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट। ओके, और एक चीज और सुन लो भाई इसी बात पे, 1982 से 87 तक ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है? तो जस्टिस मोहम्मद, जब ज्ञानी जैल सिंह, मैं तो मिला हूँ ज्ञानी जैल सिंह जी से, जब वो राष्ट्रपति थे, छोटा सा बच्चा था मैं तब मिला था। खैर, तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, आगे क्या है? बिल्कुल, जाकिर हुसैन के समय। ओके, मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट का वेतन क्या किया जा सकता है? किसी भी परिस्थिति में कम नहीं किया जा सकता। दरअसल सेक्शन, ओ सॉरी, आर्टिकल 125 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, कि संसद के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो सैलरी है उसे वो इंक्रीज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी है उसे वो इंक्रीज कर सकती है, लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकती। सेक्शन आर्टिकल 125 में है। ओके, कैन बी रिड्यूस, जब मैं कह रहा हूँ कम कर ही नहीं सकती, कम कर ही नहीं सकती, केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान, यानी अंडर आर्टिकल 360, जब भारत में वित्त आपातकाल होगा उस कंडीशन में ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो क्या कहते हैं सैलरी है उसे कम किया जा सकता। अच्छा, एक आपको मैं जानकारी अभी दे दूं सभी स्टूडेंट, कल मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास अब सीधा मंडे को होगी जिसमें मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, मेरी क्लास अब सीधा मंडे को होगी जिसमें मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरे यूट्यूब लिंक और पीडीएफ चाहिए क्लास की, तो ये मेरा ग्रुप ग्रुप है जीवेश सर, टेलीग्राम ग्रुप है ये जीवेश सर, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है जीवेश सर, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इसमें मेरे ये जो आपको क्वेश्चंस कराता हूँ इसकी पीडीएफ और आपको सब मिल जाएगा। सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ओके, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका। अभी 7:30 बजे मेरा लेक्चर है डिफेंस अड्डा पे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, तो आपको 7:30 बजे वहाँ पे भी आना है, ठीक है? केंद्र सरकार राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकता है? ओके, केंद्र सरकार राज्य सूची, तो आर्टिकल 249 में राज्यसभा को ये शक्ति दी गई है, आर्टिकल 249 में, कि वो 2/3 बहुमत से एक बिल पास करती है जिसके बाद केंद्र सरकार पास पावर आ जाती है कि वो राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। ओके ओके, मेरी क्लास बेटा दो जगह होती है, ठीक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। मेरी क्लास बच्चों दो जगह होती है, 6 PM पर होती है आपकी एसएससी अड्डा पर, ठीक है? अब वो देखो यहाँ पे टाइम लग जाता है ना, तो इस वजह से मैं उस जो मेरी डिफेंस अड्डा पे क्लास है वो 7:30 PM पर होती है, ठीक है? तो डिफेंस अड्डा पर मेरी जो क्लास होती है वो कितने होती है? 7:30 PM, डिफेंस अड्डा 247 डालिएगा बस, ठीक है? और ये मेरा स्पेशल बैच है यूपीएससी सीडीएस के लिए, तो उसे आप ज़रूर परचेज करिए अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सीडीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, तो इट इज़ ए वेरी गुड बैच, क्योंकि आपको लड़कियों के लिए तो स्पेशली, क्योंकि आपको जीएस का ही करना है। ओके, और ध्यान रखिएगा 72% डिस्काउंट चल रहा है, तो 72% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाने के लिए आपको इसको ज़रूर यूज़ करिए, कैपिटल यू कोड 191 को यूज़ करिए, और 17 अक्टूबर से नवरात्र का पहला दिन मेरे साथ प्रिपरेशन को शुरू करेगा। तो मिलते हैं आपको डिफेंस अड्डा पर 7:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।